Hello students, welcome to English class. So as you all know that you are studying tenses, and we have already gone through what are simple present, simple past and simple future tenses. Now today we are going to study about the present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense, the second form of tense. Okay, so students, as the name suggests, continuous. What do you mean by the word continuous? It means something that is continued. मतलब जो जारी है, चल रहा है. That is known as continuous. So in tenses में भी जो word continuous है, उसका वही significance है. Now today we are going to study about them one by one. Okay, so first of all, let's study about present continuous tense. Okay, so we use present continuous tense for the actions that are happening in the present. Okay, it is used for something that is happening at the moment when we are speaking. It means जब मैं आपसे बात कर रही हूँ उस समय जो action चल रहा है वो present continuous tense में आता है. मतलब वो action complete नहीं हुआ है, वो चल रहा है. For example, like I am teaching, है ना, तो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ. तो ये जो एक्शन जो मैं कर रही हूँ ये मेरा चल रहा है, इट इज़ नॉट कम्प्लीटेड. एंड सिमिलरली यू आर स्टडिंग, सो दैट एक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूइंग, सो दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, सो स्टूडेंट्स, मीनिंग यही है कि जो एक्शन आपके बोलते टाइम, जब आप बोल रहे हो उस समय जो एक्शन चल रहा होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही आता है. ओके, नाउ देयर इज वन फॉर्मूला फॉर राइटिंग दिस टेंस. मीन्स जब भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई सेंटेंस फ्रेम करेंगे, सो देयर इज अ पैटर्न. इन दैट पैटर्न यू हैव टू राइट, एंड दैट इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज और एम और आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. इट मीन्स कि जब भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई सेंटेंस लिखेंगे उसमें सब्जेक्ट पहले आएगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट यू हैव टू यूज एज एम आर प्लस वर्ब. जो भी वर्ब आप लिखेंगे उसमें आप आईएनजी ऐड करेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा. सो कॉन्टिन्यूस जहाँ भी है, ये आपको याद रखना है कि जहाँ भी वर्ड कॉन्टिन्यूस है, इट मीन्स वर्ब में आपको आईएनजी ऐड करना है. ओके, नाउ लेट्स स्टडी सम एग्जाम्पल्स. सो द एग्जाम्पल्स दैट वी आर गोइंग टू रीड आर इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. ओके, सो लेट्स रीड आउट. आई एम डूइंग माई वर्क. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ. तो मतलब मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, वो चल रहा है. सो दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. अब इसमें जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वो इसमें एप्लीकेबल है. देखो कैसे, कि आई जो है दैट इज सब्जेक्ट, और आई के साथ में आप एम, इज और आर में से क्या यूज़ करते हैं, हम एम यूज़ करते हैं, तो वहाँ एम है. फिर डू, डू आपका वर्ब है, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, आईएनजी कर दिया, एंड देन आफ्टर दैट वर्क इज ऑब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो यही इन सेंटेंसेस में हमने फॉलो किया है. नाउ द सेकेंड सेंटेंस, गरिमा इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे. सो गरिमा इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे. नाउ गरिमा इज सब्जेक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी विल यूज हियर इज. हम एम यूज नहीं करेंगे, आर यूज नहीं करेंगे, इज यूज करेंगे, बिकॉज गरिमा एक ही है. तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, इज गोइंग, गो के साथ में हमने गो एक वर्ब है और उसके साथ में हमने आईएनजी यूज किया है. सो गोइंग टू स्कूल एवरी डे. सो यहाँ उसके बाद ऑब्जेक्ट है, गरिमा रोज स्कूल जा रही है. सो ये जो उसका काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो चल रहा है. सो दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. नेक्स्ट, यू आर ईटिंग अ मैंगो. सो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, तुम एक आम खा रहे हो. तो आम जो है वो अभी भी खा रहा है, उसका जो खाना है वो कंप्लीट नहीं हुआ है. ओके, नेक्स्ट इज दे आर टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट. तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट है और दे के साथ में हम इज एम आर में से आर यूज करेंगे. सो यहाँ हमने क्या लिखा, आर टेक, वी हैव एडेड आईएनजी, सो इट बिकम्स टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट. इट मीन्स वे अपना नाश्ता कर रहे हैं.
Now the next examples are, she is learning her lesson, we are playing football. So students, you can see in all these sentences the actions are not completed but they are going on, मतलब वो चल रहे हैं. तो ये जो examples हैं ये सारे present continuous tense हैं. Okay, now next is past continuous tense. Again, as from the name we know that continuous means that something that is going on, मतलब जो चल रहा होता है. और past का मतलब होता है जो past, जो हो चुका है. तो यहाँ पर इसका मतलब है कि वो actions जो past में continued थे तो उन्हें हम past continuous tense में रखते हैं. Okay, so here we talk about the actions that are continued in the past for a specific time. Okay, so the definition is, we use past continuous to describe an action that was in progress at a specific time in the past. जिससे हमें पता चलता है कि ये जो actions हैं ये past में हुए हैं, तो वो past continuous tense में आते हैं. Okay, and the formula for writing past continuous tense, जैसे present continuous tense में मैंने formula बताया, वैसे ही past continuous tense में भी एक proper pattern में हम sentences लिखते हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं subject, then we write was, or then we use was or were, then plus ing form of verb, then object. Okay, it means subject plus was or were plus ing form of verb plus object. Okay, clear. So as आपने present continuous में भी देखा था, उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, subject use करते हैं, last में object होता है और बीच में वर्ब की ing फॉर्म आती है और इज एम आर. और यहाँ इज एम आर की जगह हम लिखते हैं वॉज ऑब्लिक वर, एदर वी यूज वॉज और वी यूज वर. ओके, नाउ लुक एट द सेंटेंसेस इन अ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. आई वॉज, मैंने सेम ही सेंटेंसेस ली हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में वो सेंटेंस कैसे लिखे जाते हैं. आई वॉज डूइंग माई वर्क, सो इट मीन्स मैं अपना काम कर रहा था, पास्ट में कर रहा था. अब जहाँ हमने फॉर्मूला में मैंने आपको बताया कि वॉज और वर, तो आप देखें यहाँ पर हमने वॉज लिखा है, आई वॉज डूइंग माई वर्क. और प्रेजेंट में मैंने क्या लिखा था, आई एम डूइंग माई वर्क, मतलब मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो प्रेजेंट था. और ये पास्ट में है, मैं अपना काम कर रहा था. क्लियर, सो हैव यू सीन द डिफरेंस. नाउ द सेकेंड वन, गरिमा वॉज गोइंग टू स्कूल एवरी डे. प्रेजेंट में हमने लिखा था Garima is going to school every day. Now in the past form we have written Garima was going to school every day. It means Garima roz school ja rahi thi. Okay, next is, you were eating a mango. The Hindi translation is, tum ek aam kha rahe the. To yahan par jab present mein humne ye sentence likha, humne kya likha tha, you are eating a mango, tum aam kha rahe ho. लेकिन यहाँ जब पास्ट में हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यू वर ईटिंग अ मैंगो. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे वर टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट. ओके, वे अपना नाश्ता कर रहे थे. नेक्स्ट, शी वॉज लर्निंग हर लेसन, वह पाठ याद कर रही थी, मतलब वो पास्ट में कर रही थी, कंटिन्यू भी है और पास्ट में कर रही थी. वी वर प्लेइंग फुटबॉल. ओके, सो इसी तरीके से हम दूसरे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. सो आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपको जो ये जो फॉर्मूलेज मैंने बताए हैं ना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और सेकेंड फार्मूला जो पास्ट कॉन्टिन्यूस का है वो है सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो मेन तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. इफ़ यू रिमेंबर दिस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर इट, देन ओनली यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेस. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. नाउ वॉट इज दैट, एक्शंस दैट विल बी हैपनिंग एट द पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर. इट मीन्स इट इंडिकेट्स दैट समथिंग विल ऑकर इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू फॉर एन एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम. जो फ्यूचर में शुरू होगा और एक पीरियड तक कंटिन्यू रहेगा और हमें उसके कंप्लीशन का कुछ पता नहीं होगा, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि वो जो काम फ्यूचर में शुरू हुआ होगा वो कंप्लीट हुआ कि नहीं होगा, दैट इज़ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर का मतलब यही है ना कि जो फ्यूचर में होने वाला है. तो आगे
So the actions that will take place in the future and will continue for a specific period of time, but we don't have any information about their completion. They are future continuous tense. Okay. Next is the formula. Okay. So now, जैसे हमने बाकी दो में use किए formula, here also we are having a formula to frame a sentence in future continuous tense, and that is subject plus will be or shall be plus ing form of verb plus object. Okay, so what is the difference between the three formulas? The you know that the first, सबसे पहले हमें subject mention करना है, फिर subject के according हमें will be or we can use shall be, and then we have to use ing form of verb and then object. Okay, so that is the formula for future continuous tense. Now let us look at some of the examples. Now here also I have taken the same examples so that you can find out the difference between the three, ki inhi sentences ko humne future continuous tense mein kis tarah se frame kiya hai. Okay, so I shall be doing my work. Okay, yahan hum shall be use kiya, humne sabse pehle I subject use kiya hai, fir uske baad humne shall be use kiya hai, and then we have used ing form of verb, that is we have written doing and then an object. Okay, so इसको हम हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मैं अपना काम कर रहा हूँगा, है ना. नेक्स्ट इज गरिमा विल बी गोइंग टू स्कूल एवरी डे. हियर वी हैव टू यूज विल बी इंस्टेड ऑफ इज एम आर और वॉज वर. यहाँ हम क्या यूज करेंगे? विल बी यूज करेंगे. एंड वॉट विल राइट? गरिमा रोज स्कूल जा रही होगी. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द present continuous, past continuous and future continuous. Okay, next is you will be eating a mango. Tum aam kha rahe honge. So is tarah se yahan par humne kya use kiya? Will be. Next, they will be taking their breakfast. Ve apna nashta kar rahe honge. So yahan jo bhi sentences hain, inme jo task hai wo complete nahi hue hain, wo future mein chalenge. सो यहाँ कंप्लीशन का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. सो ऑल दी सेंटेंसेस आर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी विल बी लर्निंग हर लेसन. सो वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल. हम फुटबॉल खेल रहे होंगे. सो वो ना तो खेल चुके हैं ना उन्होंने खेलना कंप्लीट किया है, मतलब फ्यूचर में वो खेल रहे होंगे. Okay, so this is way, in this way we can frame different sentences in present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. तो इस तरह से आप इनमें डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. मेनली आपको इनमें फॉर्मूलाज याद रखने हैं. ओके, सो द थ्री इंपॉर्टेंट फार्मूलाज दैट वी हैव गॉन थ्रू, यू हैव टू लर्न दैम. बिकॉज अगर आप फार्मूला यूज नहीं करोगे तो आप कोई भी जो सेंटेंस है उन्हें सही तरीके से फ्रेम नहीं कर पाओगे. Okay, so students watch these videos again and again so that you can understand better how you have to frame the sentences and how you can recognize whether the sentence is in present form, past form or future form. Okay, in our next video we will study about present perfect, past perfect and future perfect tense. Till then, take care and have a good day. Thank you.